हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला। इसे पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 250 ग्राम चिकन है और 3 आड़ी प्याज को हमने काट के रखा हुआ है। और ये मसाले हैं, 2 चम्मच गरी का बुरादा है, 1.5 चम्मच नमक है और 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच सौंफ है। और ये 2 लाल मिर्च हैं तड़के के लिए, अजवाइन उसमें लौंग पड़ी हुई हैं, 4 पीस लौंग के हैं और 2 पीस तेज पत्ते के हैं और लाल मिर्च पाउडर है। और ये मसाला लहसुन अदरक को हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है और इसमें से थोड़ा सा हमने इसमें और गरम मसाला भी ऐड किया हुआ है। और ये हरी मिर्च है, 6 और 7 पीस हरी मिर्च है और 1 जायफल है। चलिए हम चिकन बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आपका 3 चम्मच हमने तेल डाला हुआ है और ये तेल फ्राई हो चुका है। इस तेल में हम थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम इसको भून लेंगे। पाँच मिनट तक आप इसको भून लीजिए और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। और हम इसमें ये चिकन को ऐड कर देंगे। ये तड़के वाला मसाला डालेंगे। ये देखिए, 3 पीस तेज पत्ते की हैं, 1 पीस 2 लाल मिर्च है, 1 टुकड़ा लकड़ी का है और 4 से 5 लौंग है। अब हम इसे इसमें डाल के मिक्स करेंगे। और हम इसे भूनने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, दूसरी कढ़ाई में हमने तेल को 3 चम्मच तेल डाला है और ये तेल लाल हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए, 1 चम्मच हमने इसमें जीरा डाला हुआ है और 1 चम्मच सौंफ डाली है, ये फ्राई हो रहा है। और थोड़ी सी इसमें गरी का बुरादा, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हमें लाल करके भून लेना है बस। अब इसे हम इसमें ये प्याज को ऐड कर देंगे। अब ये हमारा प्याज जब तक लाल होएगा और इसमें ये मसाला भी फ्राई हो जाएगा। ये अब इसको हम लाल होने के लिए छोड़ देंगे। इस मसाले में हम ये जायफल, 1 जायफल पूरा डाल देंगे। जायफल को भूनने के बाद इसको हमें बाहर निकाल लेना है। अभी सिर्फ इसमें खुशबू के लिए हमें डाला है इसको। जब ये मसाला भून जाएगा, प्याज हो जाएगा, उसके बाद हम जायफल को बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, अब ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है और दूसरे साइड पर चिकन हमारा भून रहा है। ये देखिए, ये आपका प्याज जो है तैयार हो गया है। इसको हमें बहुत लाल नहीं करना है, बस इतने तक ही हमें रखना है। और ये देखिए, ये हमने इसका जायफल मसाले को भूनने के बाद इसको अलग कर दिया। अब इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दीजिए। और ये देखिए, अब हम इसमें ये गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और गरम मसाला जो मिक्स करके हमने पीसा है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और 4 हरी मिर्च को भी काट के हमें डाला है। ये देखिए, ये आपका मसाला लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसी मसाले में इस चिकन को ऐड कर देंगे। जो चिकन हमने भून के रखा है, इसी में हम इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये चिकन हमने अलग से भुना हुआ है, इस चिकन को हम इसमें डाल देंगे, इस मसाले में ऐड कर देंगे।
अच्छी तरीके से हम सारा चिकन इस मसाले में ऐड कर देंगे। ये देखिए अब हमने इसमें सारा मसाले को ऐड कर दिया है। अब ये मसाले जो हैं भून के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें इस मीट के साथ में भी थोड़ी देर हमें इसको और पकाना है। 10 मिनट आप इसको और पका लीजिए और इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए। एक चम्मच पानी डाल दीजिए, काफ़ी है। ये बस ताकि ये मसाला जले नहीं और ये इस तरीके से अच्छे से बन के तैयार हो जाए। बस अब इसे 10 मिनट तक ढक के पकने दीजिए, पका देते हैं। अब उसके बाद ये हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। ये लीजिए तैयार हो गया हमारा चिकन मसाला। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।